राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी को याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए बलिदान दिया, हम उन्हें भी आज नमन करते हैं और महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा के सोच को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें नमन किया है। आज हमने उनके सिद्धांतों को अपनाते हुए आगे बढ़ने का प्रण लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर केंद्र सरकार खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें महात्मा गांधी के दिखाए हुए पदचिन्हों पर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। याद कर रहा है कांग्रेस ऑफिस में, उन्हें याद किया गया, क्या कहेंगे? राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को आज ही नहीं, वैसे तो हम अपने जीवन के हर दिन में हमें याद करना चाहिए, मगर आज का दिन क्योंकि शहीदी दिवस के नाम से पूरे देश में मनाया जाता है, प्रदेश में मनाया जाता है, आज के दिन पे हमको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमको आगे बढ़ना है। जो सोच उन्होंने इस देश के लिए रखी थी, उसी सोच पे हमको इस देश को आगे लेकर जाना है। आज की अगर हम बात करें, आज के अगर हम वातावरण की बात करें, जो माहौल आज देश में बन रहा है, बनाया जा रहा है, वो गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते से बिल्कुल विपरीत है और हमें उसके लिए कड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। जो उन्होंने बातें अपने अलग अलग जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें कही है, उन पे हमको कृतज्ञ के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो माहौल आज देश के अंदर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से चाहे मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे कई क्षेत्र के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है, धार्मिक सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को इस देश में और इस सदी में, 21वीं सदी में, मैं समझता हूं कि कोई स्थान ऐसी चीज़ों का नहीं है। हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जिन सिद्धांतों के साथ हमारे राष्ट्रपिता ने इस देश की नींव रखी है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने रखी है, उसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आज हमने उनको याद भी किया, उनको नमन भी किया और यही आह्वान हम प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं कि वी नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय आवर फादर ऑफ द नेशन और उस पर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सी मुश्किलात आएगी, बहुत सा संघर्ष करना पड़ेगा, मगर कभी झुकना नहीं है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।